नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर दिन भर में फटाफट से आपको खबरों से रूबरू कराते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर यूरोप में तबाही मचा रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत, चीन और पाकिस्तान समेत कई एशियाई देशों में तेजी से फैलने लगा है। भारत में 8 से ज्यादा राज्यों में 45 केस सामने आ चुके हैं और विदेश से आए कई संदिग्ध मरीजों के टेस्ट सैंपल जीनोम स्क्वायरिंग के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 4 केस मिले तो महाराष्ट्र में अब 20 केस सामने आ चुके हैं। और इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन के असर को लेकर आई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की नई स्टडी नई महामारी को लेकर चिंता को और बढ़ा सकती है। कोरोना पर हाल ही में कुछ रिसर्च सामने आई है। कोरोना के नए वेरिएंट से रक्षा करने में वैक्सीन कमजोर पड़ती नजर आ रही है। हालांकि गंभीर बीमारियों के खिलाफ इसके परिणाम बेहतर देखने को मिले हैं। पहले से खस्ता हाल हो चुके आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आम लोगों को 24 घंटों के भीतर महंगाई ने डबल झटका दिया है। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों के दाम 5 महीने से सबसे अधिक गए हैं। थोक कीमतों पर आधारित WPI इन्फ्लेशन नवंबर में एक साल के उच्चतम स्तर 14.23% पर पहुंच गया। इसका सबसे बड़ा कारण खाने पीने की चीजों के दाम में आई तेजी है। आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में खाने पीने की चीजों के दाम 5 महीने में सबसे अधिक रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर बिगड़ गई है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में आज AQI 328 है, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। वैसे हवा की रफ्तार घटने और तापमान गिरने से सोमवार को ये बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई थी। अभी अगले 2-3 दिन यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। वहीं हवा की रफ्तार बढ़ने पर 16 से ही कुछ सुधार संभव है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली का 24 घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 हो गया, जबकि रविवार को ये 264 यानी कि 77 अंकों का इजाफा। NCR के शहरों में फरीदाबाद का इंडेक्स 317, गाजियाबाद का 310, ग्रेटर नोएडा का 272, गुरुग्राम का 245 और नोएडा का 312 दर्ज किया गया है। अगर आप ऐप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कर्ज लेते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से आज भारत में फर्जी लोन देने वाले ऐप की जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक भारत में करीब 600 से ज्यादा फर्जी कर्ज देने वाले ऐप्स मौजूद हैं। ये ऐप्स एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंडिंग रिपोर्ट के हवाले से फर्जी ऐप्स की डिटेल का खुलासा हुआ है। बोट की शानदार स्मार्ट वॉच बोट वॉच मरकरी भारत में लॉन्च हो गई है। इस वॉच की खासियत है कि यूजर इसके जरिए बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर करने की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, स्मार्ट वॉच में फिटनेस एक्टिविटी को ध्यान में रखकर स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं। बोट वॉच मरकरी में 1.54 इंच का चौकोर डायल है, जिसमें हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल ट्रैक करने के साथ रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटर करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा यूजर को वॉच में 10 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे, जिनमें वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग और योगा जैसी एक्टिविटी शामिल है। यूजर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ फिटनेस प्रोग्राम शेयर कर पाएंगे। साथ ही बोट ने अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच बोट वॉच मरकरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक करने के भी दिया है, जो महिलाओं के बहुत काम आएगा। इसके अलावा स्मार्ट वॉच में 100 से अधिक वॉच फेस, म्यूजिक, कैमरा कंट्रोल और मैसेज कॉल नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिलेंगे। वोडाफोन आइडिया ने एक शानदार ऑफर लॉन्च कर दिया है। ये एक म्यूजिक ऑफर है, जिसका लुत्फ वोडाफोन ऐप से उठाया जा सकता है। इस ऑफर को हंगामा म्यूजिक के साथ पेश किया गया है। वहीं इस ऑफर के तहत वोडाफोन प्रीमियम हंगामा सब्सक्रिप्शन अपने ग्राहकों के लिए मुफ्त ऑफर कर रहा है। इस ऑफर का लुत्फ वोडाफोन के प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहक उठा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन के इस ऑफर में 6 महीने तक मुफ्त हंगामा प्रीमियर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको बता दें कि प्रीमियम हंगामा का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 249 रुपये में आता है। ऐसे में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 489 रुपये का होगा। हालांकि वोडाफोन के प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ये फ्री में उपलब्ध रहेगा। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर हरनाज सिंधु ने देश का नाम रोशन कर दिया है। 21 साल के बाद इंडिया के नाम ये खिताब लेकर देश की बेटी ने सबके चेहरे पर खुशी ला दी है। इसके साथ साथ उनके विनिंग गाउन की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस गाउन को डिजाइन किया है साइशा शिंदे ने। दरअसल हरनाज ने जो गाउन पहना है उसे सभी ने बहुत पसंद किया है। हरनाज ने बेज और सिल्वर एम्ब्रॉयडर्ड गाउन पहना था। जी हाँ, साइशा शिंदे के डिजाइन किए हुए हरनाज सिंधु के फाइनल राउंड के गाउन को 3 भागों में अलग अलग रूपों में बांटा गया। मिस यूनिवर्स के गाउन का रंग सिल्वर था, जो विनिंग का सिंबल भी माना जाता है। आपको बता दें कि साइशा भारत के टॉप फेमस डिजाइनरों में से एक है। सरकारी क्षेत्र के बैंक भी फिनटेक की ताकत समझने लगे हैं। अब इस क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कॉन्टेक्टलेस यानी बगैर किसी संपर्क के भुगतान करने की एक नई सर्विस शुरू करने का फैसला किया है।
जिसके तहत बॉब वर्ल्ड वेब नाम के तहत पहनी जाने वाली कई ऐसे उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी है जिसे भुगतान के लिए POS के सामने सिर्फ दिखाना होगा। ये उत्पाद अंगूठी, लॉकेट या घड़ी हो सकती है। सबसे पहले बैंक ने सुविधा वाली घड़ियां लॉन्च करने का फैसला किया है जिसे बैंक जनवरी 2022 में अपने ग्राहकों के लिए पेश करेगा। ये घड़ियां स्पोर्ट्स सेगमेंट की होंगी जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई सूचनाएं भी ग्राहकों को मिल सकेंगी।